गेम ऑफ रिटर्न्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज आप देखेंगे कि इन्वर्टर को खुद से आप घर में कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक बेहतर तरीके से और साथ ही साथ आप जो पीछे स्विच दिया रहता है उसको भी कैसे एडजस्ट करना है, सब टोटल ए टू जेड इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा, ठीक है। और इसको बढ़िया से सेटअप करने के लिए आप क्या करें, एक अलग से बोर्ड दें इन्वर्टर के लिए, ठीक है। जिसमें से क्या होगा कि अगर कभी आपका इन्वर्टर ख़राब होता है, कोई फॉल्ट आ जाता है इनकेस, ठीक है, तो आप इसको बाईपास कर सके दो टॉप लगा के, ठीक है। दो टॉप आप लगा देंगे तो बाईपास हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो आप देखें, आपको इतने आसानी से और पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ताकि आप अपने घर के या कहीं भी आप चाहें तो इसको लगा कर इंस्टॉल करके अपना इंस्टॉलेशन चार्ज कमा सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको निश्चित तौर से बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। उसके लिए आपको दो 5 पिन सॉकेट लेना है, ठीक है। दो 5 पिन सॉकेट लगा लेना है, और एक स्विच आप लगा सकते हैं कि क्या अगर कभी किसी कारण से आपको सप्लाई कट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लो वोल्टेज है, तो आपने क्या किया कि सप्लाई को कट कर दिया, सिर्फ इन्वर्टर से आपका काम चल रहा है, ठीक है। तो स्विच लगा देना सही होता है, ठीक है। आप चाहें तो इसको नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप भरसक प्रयास करें कि स्विच जो आप डालें वो 16 एम्पेयर का हो, ठीक है। वैसे 6 एम्पेयर में भी काम चलेगा, लेकिन आप 16 एम्पेयर का डालेंगे तो बेहतर होगा। और आपका प्लग जो टॉप है ये 16 एम्पेयर का दिया हुआ है, तो आपको सॉकेट भी 16 एम्पेयर का डालना है, ठीक है। ऐसा सॉकेट लीजिए जिसमें 16 एम्पेयर और 6 एम्पेयर दोनों लग जाए, ठीक है। तो मैंने एक ले लिया जिसमें 16 एम्पेयर का भी लग जाए, 6 एम्पेयर का भी लग जाए, और दूसरा मैंने जो लिया है उसमें सिर्फ 6 एम्पेयर का ही लगेगा। तो इसको आपको इनपुट बनाना है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर का तार है, जो इन्वर्टर का इनपुट वायर है, ठीक है, तो इसको आपको इनपुट सॉकेट बनाना है, ठीक है, और इसको आउटपुट। तो यहाँ मैं इनपुट लिख देता हूँ, यहाँ आउटपुट लिख देता हूँ, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। इनपुट और आउटपुट लिख देने के बाद अब कनेक्शन का बारी आता है, ठीक है। तो कनेक्शन करने से पहले आप इसका कनेक्शन कर लें, ठीक है। दो ठो आपको टॉप लेना है, 3 पिन टॉप इसको बोला जाता है, और टॉप का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसको खोल लेना है। खोलने के बाद दोनों का राइट लेग, ठीक है, अगर ऐसे आप पकड़ते हैं तो ये हुआ, इस तरह तो आपका लेफ्ट हो जा रहा है, लेकिन राइट फेज हमेशा राइट साइड होता है, ठीक है ना। इसलिए आपको इसका राइट और इसका राइट एक तार के माध्यम से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, एक तार के माध्यम से मैंने दोनों का राइट पिन को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर से आपको इसको अच्छे से असेंबल कर देना है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये कब काम आएगा, जब आपका ये तो नॉर्मली यूज होता रहेगा, जब सप्लाई इन्वर्टर से आउटपुट इसी के माध्यम से आपको इस बोर्ड में जाएगा, और बोर्ड के माध्यम से घर तक जाएगा। और इनकेस कभी ख़राब हो जाता है आपका इन्वर्टर, तो ये क्या करेंगे आप, एक इसमें और एक इसमें, ये दोनों में अगर आप लगा देते हैं तो क्या होगा कि आपकी जो इनपुट सप्लाई है वही आउटपुट में चली जाएगी, और आपका इन्वर्टर हटा दिया जाएगा, बाईपास हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको इसका कनेक्शन करना है। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आए आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो अब देखिए आप इसका कनेक्शन का समझ में आया, समझिए इसका नंबर आ गया। अब आपको क्या करना, देखिए इस ये तो आउटपुट है, इसका मतलब यहाँ से जो आपको राइट साइड में आपको कनेक्शन देना है, यानी इस साइड से जो सप्लाई जाएगा ये घर में जाएगा, जो होम सप्लाई है, जिसमें लोड जिसको बहुत लोग लोड बोलते हैं, वो वाला के यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। और जो मीटर से आ रहा है आपका, ठीक है, जो फेज आ रहा है उस फेज को आपको यहाँ देना है। लेकिन यहाँ देने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इंडिकेटर में देंगे, ठीक है। इंडिकेटर से होकर एक फ्यूज ये स्विच में आएगा, और स्विच के दूसरे लेग से यहाँ आ जाएगा। तभी क्या होगा कि स्विच से होकर आएगा, तभी तो आप इसको कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर इसको ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देखते जाइए, मैं वैसे जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी करना है। इससे पहले मैं न्यूट्रल को ही ले लेता हूँ, एक ये न्यूट्रल हो गया, और मैं एक और न्यूट्रल अभी लगा रहा हूँ, आपको मैं बताता हूँ ये क्यों, यही जाएगा ऊपर बोर्ड तक, उसीलिए मैं दोनों न्यूट्रल को अभी आपस में कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है, ये अच्छे से जुड़ जाने के बाद एक और तार लेना है, जिसमें इसी तरह का एक बड़ा तार जुड़ा हो, एक छोटा सा तार जुड़ा हो, ठीक है। उसे आप क्या करना है, किसी भी लेग में, ठीक है, इंडिकेटर के किसी भी लेग में आपको उसका दे देना है, ठीक है। उसके बाद अच्छे से टाइट करना है, ठीक है। टाइट कर लेने के बाद ये जो है एक्स्ट्रा, इसको आपको कहाँ दे देना है,
स्विच में, स्विच में आप ऊपर या नीचे कहीं भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं नीचे दे देता हूँ। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करना है, फेज इंडिकेटर के पास आया, इंडिकेटर से स्विच में आ गया, स्विच से आप यहाँ दे दीजिए। ठीक है, जो इनपुट लिखा हुआ था जिस सॉकेट पे, उसी पे, उसी के राइट लेग पे आपको जहाँ भी समझ में ना आए आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सभी स्क्रू को अच्छे से टाइट जरूर करते जाएं। ठीक है, अब देखिए, आपने ब्लैक वाले में दो दो वायर जो जुड़ा है, ठीक है, एक तो बड़ा है उसको आप रहने दीजिए जो कि ऊपर मीटर तक जाएगा, दूसरा जो छोटा है उसको आप कट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ जैसे न्यूट्रल जोड़े हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं है न्यूट्रल का। ठीक है, आप जोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो आप ना भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, न्यूट्रल को आप क्या कीजिए, इंडिकेटर में भी दे दीजिए, ताकि इंडिकेटर को जलने के लिए भी न्यूट्रल चाहिए। और मैं अभी बता दूंगा कि मैंने इस सॉकेट में दिया है, इस सॉकेट में मैंने न्यूट्रल इसलिए दिया है ताकि इन्वर्टर को फेज और न्यूट्रल दोनों मिलता रहे। ठीक है, और न्यूट्रल दोनों का कॉमन होता है, लाइन का भी और इन्वर्टर का भी, इसलिए यहाँ पे आप ना भी देंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी इसमें भी देखिए आपने एक ही तार का कनेक्शन किया गया जो कि सिर्फ फेज से मतलब रहेगा, इन्वर्टर जो आउटपुट देगा उसी को इसको घर तक पहुँचाने का काम रहेगा। ठीक है, आप एक बार कनेक्शन अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक तार आप और ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी राइट साइड आपको कनेक्ट कर देना है, बस इतना जब आप कर लेंगे तो आपका बोर्ड जो है वो तैयार हो जाएगा। देखिए, आपका इससे तीन तार निकल गया, एक फेज जो इनपुट है, एक कॉमन है और एक आउटपुट हो गया। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, ये सेफ्टी के लिए आपको करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ये ठीक है, इसका फर्स्ट पिन, ऊपर वाला पिन, इसका ऊपर वाला पिन जो अर्थिंग के लिए पिन होता है, अर्थिंग पिन दोनों को एक तार से कनेक्ट कर देना है और अर्थिंग वाले वायर में इसको कनेक्ट कर दें। अगर आप जहां वायरिंग कर रहे हैं वहां संभव है तो ज़रूर उसे कर दें। ठीक है, अब आप एक बार देख लीजिए, ये बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये अर्थिंग वाला वायर है, आप अपने बोर्ड से अर्थिंग निकाल के इसमें कनेक्शन कर दें, यहाँ या यहाँ कहीं पर भी, मैंने एक तार से दोनों को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब बारी आता है बॉक्स जो है इसको जहाँ पे आपको लगाना है उसी अनुसार आप इसको ड्रिल मशीन से ड्रिल करके स्क्रू टाइट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे चाइनीज काटी की मदद से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। होल कर देने के बाद आप इसमें एक ग्रिप डाल दें, एक एक ग्रिप। ठीक है, ग्रिप को आप हैमर के हेल्प से या फिर प्लायर के हल्का सा प्रेस कर दें। उसके बाद बॉक्स को एकदम टाइट इसमें अच्छे से टाइट कर दें। तीनों तार को इधर से आप पास करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। देखिए, आपको चार तार पास कराना था, एक ये भी पास कराना था, लेकिन यहाँ पे अभी इसका अर्थिंग का सुविधा नहीं है इस घर में, तो मैं इसको तत्काल यही रहने देता हूँ, जब भी सुविधा होगा अर्थिंग का तो एक तार लाके आपको इसमें कनेक्ट कर देना होगा। ठीक है, या फिर आप चाहें टेम्प्रोरी, ठीक है, तो इसको यहाँ से छिल के इस जो स्क्रू आपने लगाया है वहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन उतना परफेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि दीवार और पिन के बीच में, ठीक है, आपने ग्रिप दे रखा है जो कि इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास हो तो आप लगा लीजिए अर्थिंग, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अब देखिए, अब आपका देखिए ये सब बेसिक था जिसको आपने बहुत अच्छे से किया। अब आया मेन काम, जो मेन कनेक्शन है, आपको देखिए यहाँ पर सब मीटर लगा हुआ है,
ठीक है, ये मेन मीटर नहीं है, ये सब मीटर लगा हुआ है, जो हर फ्लैट का या हर रूम का अलग अलग बिल आपको बताता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले मीटर को यहाँ से स्क्रू रिमूव करके मीटर का कवर यहाँ से हटा देना है। ठीक है, देखिए आप हटा देने के बाद देखिए ये फेज है, ठीक है, ये फेज है जो कि आपने यहाँ पे जो तार निकाला है रेड उसमें जाएगा और ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने घर की सप्लाई कट कर देनी है। ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ ये अलग बात है, लेकिन आपको सप्लाई कट जरूर कर देनी है। ठीक है, तो ये जो है अब देखिए मैंने ये अलग कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए सप्लाई यहाँ आपको नहीं मिलेगी, सप्लाई आपको यहाँ नहीं मिलेगी, सप्लाई यहाँ मिल रही है, यहाँ मतलब क्या है, ये मीटर से जो सप्लाई आ रहा है इधर ये आ रहा है, मीटर से घूम के यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये मेन सप्लाई है, ये घर का सब घर जो जा रहा है वो है, ये कहें तो ये लोड है, मतलब घर का अगर इसमें अब मैं सप्लाई दूंगा तो घर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो ठीक है तार निकाला है, ठीक है, जो ब्लू वाला तार निकाला है जो आउटपुट सॉकेट से था, उसको आपको यहाँ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ अच्छे से कनेक्ट करना है प्लायर का हेल्प लेके। ठीक है, उसके बाद आपको न्यूट्रल करना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, आपको सप्लाई डिस्कनेक्ट करके ही काम करना है। ठीक है, और बिल्कुल सेफ्टी के साथ करना है, प्लायर अच्छा होना चाहिए, सूज पहन के आप काम करें। ठीक है, मैं घर पे अपने लैब में काम नहीं कर रहा हूँ, बाहर से वीडियो बना रहा हूँ, जिसके चलते आपको थोड़ा सा नॉइज आ रहा हो, पर वो सबको आप इग्नोर करें और इस पर ध्यान दें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये कनेक्ट हो जाने के बाद मैं टेपिंग एक बार ही कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल वाले में जो आपने न्यूट्रल के लिए छोड़ा है ब्लैक वाला, ठीक है, इसका कनेक्शन आपको करना है। यहाँ पे अच्छे से ट्विस्ट कर देना है ताकि आपको टाइट करने में दिक्कत ना आए। एक्स्ट्रा लेग जो है उसको मैं पहले ही कट कर देता हूँ प्लायर की हेल्प से। आप कटर का इस्तेमाल करें, प्लायर का इस्तेमाल करें, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, अच्छे से ट्विस्ट कर दें। उसके बाद क्या करना है, फिर से इसको अंदर लगा देना। ध्यान रहे न्यूट्रल वाले में से आपने निकाला है तो न्यूट्रल वाले में ही आपको लगाना है। इसको अच्छे से टाइट भी जरूर कर दें। अब देखिए हो गया। अब सबसे लास्ट में आपको जो तार जोड़ना है वो है फेज। ठीक है, फेज इसमें कोई अभी फेज नहीं आ रहा है, फेज आपको कहाँ आ रहा है, मीटर में, ये मीटर का जो आउटपुट पिन है, ठीक है, यहाँ आ रहा है। तो आपको यहाँ फेज देते ही आपका क्या होगा, इंडिकेटर उसमें जलने लगा होगा। ठीक है, मैं अभी दिखा रहा हूँ कनेक्शन अच्छे से करके। कनेक्शन करते ही आपका इंडिकेटर जो है वो जलने लगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेपिंग, एक जगह टेपिंग का जरूरत है, वहाँ पे आप टेपिंग कर दें। टेपिंग प्रॉपर तरीके से करें। अभी यहाँ पे कोई सप्लाई आपको नहीं मिल रही होगी, आपको पता है क्यों नहीं मिले, क्योंकि ये जो सप्लाई जो आपने तार पकड़ा हुआ है ये घर में जाने वाली सप्लाई है और आउटपुट सॉकेट से कनेक्ट है, और आउटपुट सॉकेट पे अभी कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं दिया गया है। ठीक है, जिस कारण से वहाँ पे कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। अब आप चाहें तो इसको फिर से कवर कर दीजिए, अब यहाँ का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इससे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ, देखिए फेज आता है यहाँ, फेज यहाँ दिया जाता है। ठीक है, और ये मीटर से घूमने के बाद ठीक है यहाँ आ जाता है। ठीक है, और न्यूट्रल यहाँ दिया जाता है जो कि यहाँ आ जाता है। आपको फेज यहाँ देना है जो कि आपको यहाँ प्राप्त होगा, न्यूट्रल यहाँ दीजिएगा आपको न्यूट्रल यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको लेना इधर से ही है, इधर से आप ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मीटर सब मीटर कैसे लगाते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। अभी भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। देखिए यहाँ तक सप्लाई अब आ चुकी है। अब देखिए आपने ये जो बनाया है ठीक है, इसको कभी भी आपको लगाना है। ठीक है, कभी भी आप इसको लगाना है, मतलब क्योंकि देखिए दोनों एक तार से कनेक्ट है। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, पहले आप इनपुट में लगा देते हैं ठीक है, और यहाँ पे आपका हाथ आ जाएगा तो आपको करंट लग सकता है। ठीक है, तो कभी भी इस तरह को लगाना है, मतलब कि तो वायर को, तो पहले आउटपुट में लगाएं ठीक है, और उसके बाद उसको इनपुट में लगाएं। ठीक है, जैसे ही आपने आउटपुट और इनपुट में लगाया ठीक है, और स्विच ऑन किया, घर में सप्लाई चली गई। ठीक है, इसका मतलब यही इनपुट वोल्टेज अभी यही आउटपुट वोल्टेज में चला जा रहा है। ठीक है, अब आपको इन्वर्टर के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ से निकालना है इन्वर्टर के लिए। ठीक है, इनपुट निकाल के आपको मैं इस बोर्ड अभी खुला इसे छोड़ देता हूँ। देखिए यहाँ
यहाँ दे देना है, ठीक है। एसी आउटपुट यहाँ भी आउटपुट है, इसी में आपको दे देना है और यहीं ले जाके आपको कहाँ आएगा, यहाँ के आउटपुट में, ठीक है, इस बोर्ड के आउटपुट में अच्छे से आप इसको लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इनपुट में क्या आएगा, इनपुट में इन्वर्टर से जो दिया गया है इन्वर्टर का इनपुट वायर, उसको आपको यहाँ लगा देना है। देखिए ये देते ही घर में सप्लाई चला गया, ठीक है। अब देखिए बैटरी का कनेक्शन करना है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से सप्लाई को ऑफ कर दिए, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए बैटरी का कनेक्शन करने से पहले ये वाटर लेवल जो मीटर दिया होता है आपको इसको सभी को कनेक्ट कर लेना है। अगर आपको ट्रॉली लगाना है तो आप ट्रॉली भी लगा सकते हैं, ठीक है। समानता 6 होता है इसमें से, ठीक है। सभी को कैसे लगाना है मैं अभी बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ कंपनी नट बोल्ट दी होती है और ग्रीस दी दी होती है। ग्रीस लगा के अगर मैं इसको लगाऊंगा तो इसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए आपको ये सबको खोलकर, ठीक है, ये सबको खोल देना है। प्लायर का हेल्प ले सकते हैं आप, ऐसे हाथ से भी खोल सकते हैं। खोलने के बाद इसको लगाते जाइए। ध्यान रहे ये जो पानी की तरह दिख रहा है ये नॉर्मल पानी नहीं है, इसमें एसिड की मात्रा मिली हुई है, ठीक है। तो आप सावधानी से करें वरना आपका कपड़ा भी खराब हो सकता है। इसलिए बैटरी में पानी आप जब भी डालें, ठीक है, तो थोड़ा सावधानी बरतें वरना बैटरी का जो पानी होता है जो डालने वाला डिस्टिल वाटर, उससे कोई हानि नहीं है। लेकिन जब वह इस पानी से मिल जाता है एसिड वाले पानी से और उसका छींटा अगर आपके कपड़े पर लग जाता है तो आपका जो कपड़ा है थोड़ा ख़राब हो सकता है, ठीक है। अच्छे से इसको टाइट कर दें, ठीक है, और वाटर लेवल देख लीजिए यहाँ पे ग्रीन के पास है, ठीक है ना, ये ग्रीन के पास है तो समझिए कि आपका पानी सही है। अगर यहीं नीचे आते थे रेड के पास चला जाता है तो समझिए कि आपके बैटरी का जो पानी ख़त्म हो गया है, आपको डिस्टिल वाटर फिर से डालना है, ठीक है। डिस्टिल वाटर ही डालना है, कोई एसिड वाटर नहीं डालना, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। कनेक्शन करने से पहले आप लाइन का कनेक्शन हटा दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए ग्रीस को आपको अच्छे से लगाना है, थोड़ा थोड़ा ग्रीस, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी ना लगाएं आप, हल्का हल्का ग्रीसिंग जरूर करें। कंपनी ग्रीसिंग इसलिए दी होती है कि इसमें जंग ना लगे जल्दी, ठीक है, वरना यहाँ पर एसिड होता है, एसिड की वजह से जल्दी से जंग लग जाता है, ठीक है। तो जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से आप लगा दें, वाशर में भी, नट में भी, बोल्ट में भी, ठीक है। अब देखिए अच्छे से हो जाने के बाद कोई भी आप प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, पहले कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन गलती से भी आप उल्टा ना लगाएं वरना इसमें एक अंदर फ्यूज लगा होता है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्लस है तो इसलिए मैं रेड लगा रहा हूँ, आप इधर से लगा सकते हैं, इधर से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिधर से आपको सहूलियत हो आप उधर से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं लगा देता हूँ। उसी तरह इसको भी मैं लगा देता हूँ, उसके बाद एक बार ही टाइट कर लिया जाएगा अच्छे से। लगाने के दौरान हल्का सा स्पार्किंग यहाँ मिलेगा, उससे आपको घबराना नहीं है, बस आपको दोनों को अच्छे से टाइट जरूर करना है, ठीक है। मैं अभी ट्रॉली नहीं लगा रहा हूँ, आप बाद में जब भी आपके पास ट्रॉली उपलब्ध हो जाए आप उसको रख देना है। कोई ट्रॉली लगाने के लिए कोई वायर कनेक्ट और डिसकनेक्ट नहीं करना होता है। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो काम करने के दौरान, वरना छोटे वीडियोज़ में तो आपको देख के लगते हैं कि मैं अब कर पाऊँगा, लेकिन जब आप करने बैठते हैं तो आपको तरह तरह की कन्फ्यूजन होने लगती है। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए इसको भी आपने अच्छा से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इन्वर्टर मैं इधर से ही मैं चेयर पे रख के दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, मैंने जैसे ही UPS ऑन किया घर में सप्लाई चली गई, ठीक है। और यहाँ से आप इस रूम में मैं दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ, ठीक है। सप्लाई आ गई,
मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ हो गया ठीक है। अभी मैंने ऑफ कर दिया ठीक है। अब मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ठीक है, देखिए यहाँ मैंने ऑन कर दिया ठीक है। घर में सप्लाई चली गई और यहाँ पे देखिए मेंस ऑन हो गया आपका और चार्जिंग ऑन हो गया ठीक है। मेंस ऑन हो गया और चार्जिंग ऑन हो गया ठीक है। और यहाँ पे स्विच ऑफ है, ये स्विच आपको बताता है क्या कि इन्वर्टर आपका जो है ऑन पोजीशन में है, लेकिन सप्लाई होने के कारण आपका सप्लाई घर में जा रहा है। जैसे सप्लाई कटेगा ठीक है, या ऑटोमेटिक घर में 12 वोल्ट डीसी बैटरी को 220 वोल्ट एसी बनाकर घर में सप्लाई करने लग जाएगा ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब पीछे कुछ स्विच होते हैं उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ, ताकि आपको उसको किस पोजीशन पर रखना है और किस पोजीशन पर नहीं रखना है ठीक है। आप अपने सुविधा के अनुसार उसको कैसे रखें वो आप देखिए, आपको समझ में। ये आपको तीन स्विच दे रखा है ठीक है, एक चार्जिंग करंट का ठीक है, एक इनपुट वोल्टेज का और एक चार्जिंग वोल्टेज का ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको चार्जिंग करंट, आप इसको हाई पे रखेंगे या स्टेडी पे रखेंगे ठीक है, दोनों पे रख सकते हैं। हाई वाले पे क्या होगा, आपको चार्जिंग वोल्टेज अधिक दे जाएगा, जो कि आपकी बैटरी के लिए उतना अच्छा मैं नहीं मानता हूँ ठीक है। लेकिन स्टेडी रखेंगे तो बैटरी के लिए अच्छा है, बैटरी फ्रेंडली होगा ठीक है। तो आप कोशिश करें कि स्टडी पे ही ला कर रखें, कंपनी भी स्टडी पे ही ला के छोड़ती है ठीक है। अब देखिए, अब इनपुट वोल्टेज को भी आपको स्टडी पे ही छोड़ना है ठीक है, क्योंकि आपको आपके घर में सप्लाई अगर लगता है बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है ठीक है, और तरह तरह के दिक्कतें आती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई बहुत कम इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो फिर भी आप स्टडी में रखें, ताकि आपको इन्वर्टर बचा रहे, इन्वर्टर को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो आपके इनपुट वोल्टेज से ठीक है। तो आप इसको अक्सर स्टडी पे ही रखें, ज़्यादा अच्छा रखें ठीक है, नैरो पे ना रखें। उसके बाद चार्जिंग वोल्टेज जो है वो भी आपको स्टडी पे ही रखना है, हाई पे नहीं रखना है ठीक है। क्या होगा कि जो आपकी बैटरी के लिए ये भी सेफ है, बहुत में क्या होता है एक ही होता है चार्जिंग करंट होगा या फिर चार्जिंग वोल्टेज होगा, इसमें दो दे दिया है कंपनी ने, लेकिन आपको सब कोशिश करना है कि नॉर्मल ही रखें, स्टडी पे रखें। जहाँ पे वोल्टेज कम वम आता है वहाँ के लिए आप हाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर सही वोल्टेज मिल रहा है, 220 वोल्ट मिल रहा है, सही वोल्टेज मिल रहा है, तो वहाँ के लिए आप क्या करें स्टडी ही रखें। अदरवाइज आपको कम वोल्टेज मिला तो आप वहाँ पे हाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये फ्यूज़ दिया हुआ है ठीक है, कुछ देर बाद अगर शॉर्टिंग होने के कारण किसी भी कारण से अगर लगता है कि आपके इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड है, तो ये फ्यूज़ क्या होता है थोड़ी देर के लिए, ये हीट से काम करने वाला फ्यूज़ है ठीक है, हीटिंग एलिमेंट इसमें लगा हुआ था, क्या होता है कि हीट होकर कनेक्शन तोड़ देता है, कुछ देर बाद जब ठंडा होता है तो फिर से आप इसको टेस्ट करके नॉर्मल कर सकते हैं ठीक है। तो इतना ही सारा चीज़ दिया हुआ, फैन दिया हुआ है, ताकि आपका इन्वर्टर ओवर हीटिंग से बच सके ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। अब मैं बोर्ड को फिर अच्छे से टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए लाभदायक होगा ठीक है। तो इसी तरह के ज़रूरी और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये सब चीज़ें आप खुद से करके अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे और समय सेव कर सकें ठीक है। तो वीडियो में कोई भी कमी हो या कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर दें, मैं आपके सुझाव का हमेशा से इंतज़ार में रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।